हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैसे तो आएगा यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आपके लिए एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा आपको स्ट्रैटेजी पसंद आएगी और आप प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और कुछ ना कुछ बुक प्रोवाइड करता रहता है, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रेड वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बेल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ऑल पर प्रेस करेंगे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप पे जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। और इस वीडियो के बाद आपको कुछ स्ट्रैटेजी चेक करनी है, जैसे मैंने कुछ डाल रखी है, मूविंग एवरेज, डबल RSI, एक्सपायरी डे, बैंक मैग्निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बिग प्लेयर स्ट्रैटेजी, मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी डाल रखी है। आप देख सकते हैं 4.9K व्यूज है, इस पर बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी डाल रखी है मैंने, स्नाइपर स्ट्रैटेजी एक बार जरूर चेकआउट करें। प्ले लिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट पूरी चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसकी प्रीमियम लेने की कोई नीड नहीं होगी। ठीक है, फ्री वाला ही आप काम करना है इसमें। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हो गया। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 मिनट का लगाया हुआ है टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी का चार्ट किया ओपन किया हुआ है और 5 मिनट का लगाया हुआ है टाइम फ्रेम। इस स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, हर सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है 90% आप हर एक सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं मेरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी ऐसी ही बना के लाता हूँ। तो इंडिकेटर में जाना है आपको, यहाँ पे आपको मैंने लिखा हुआ है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ जैसे लिखेंगे आप, ये आपको एक इंडिकेटर नज़र आ जाएगा, है कि नहीं शी सेम एक्स करके, ये सेम अकाउंट एक्स करके है। ठीक है, आप इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर शो कर गया है सारा। ठीक है, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओके करना है। ये मैंने पहले से लगाया हुआ है तो मैं इसे हटा देता हूँ। आपको यहाँ पर करना है दोबारा इंडिकेटर लगाना है TSI, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर के ऊपर, आप इसे जरूर चेकआउट करना। एक बार इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने लगा रखा है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, सेटिंग में जाएंगे, इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे, प्लॉट को थिक कर देंगे, जीरो लाइन को थिक कर देंगे, ये डॉट डॉट जो आ रही है इसको लाइन पे कर देंगे और ओके कर देंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज़ का एज इट इज़ आपको सेम शो कर रहा है। ठीक है, मैंने पहले लगा रखा है, मैं हटा देता हूँ, ये सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं, कैसे मैंने बताया है। इसका रूल क्या है, बाय साइड कैसे रूल है, जब ये जो ये जिग जैग बनी हुई है कि नैशी जो बनी हुई है ये, ठीक है, ये कैंडल्स बनी हुई है कि नैशी वाली, देखो आप देख सकते हैं कि नैशी कैंडल बनी हुई है, ये पर्पल कलर की और वाइट कलर की। जब ये व्हाइट कलर की हैकिनशी बन जाती है, व्हाइट कलर की हैकिनशी बन जाती है, तब आपको ये देखना है कि ये जो TSI की जो ब्लू वाली लाइन है ये भी अप चल रही हो जीरो लाइन से, ये भी अप चल रही हो जीरो लाइन से, तब आपको बाय करना है, तब आपको बाय करना है। TSI वाली लाइन जीरो लाइन से ऊपर चल रही हो, ब्लू वाली लाइन ऊपर चल रही हो, और जो ये व्हाइट वाली लाइन है ये ऊपर चल रही हो। ठीक है, अगर आपको इससे इजी करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज इजी कर सकते हो आप। इसको आप ग्रीन कर सकते हो, ठीक है, इसको आप रेड कर सकते हो, आपको ये इजी हो जाएगा। ये देखो, ये ग्रीन बाय साइड के लिए हो गया और ये आपका हो गया सेल साइड के लिए। ठीक है, आप इसे भी कर सकते हैं, इसे आप ग्रीन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी रेड है। ठीक है, तो मैं अब आपको देख सकते हो, बिल्कुल आपको इजी समझ आ जाएगा। ठीक है, जब ये हमारी ग्रीन वाली लाइन चल रही हो नीचे और उसके ऊपर हमें चाहिए ग्रीन कैंडल, कौन सा कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल, ये जीरो लाइन वाली जो हमारी ये ब्लैक दिख रही है, शेडो दिख रही है ब्लैक वाली, ब्राउन ग्रे से कलर की, जीरो लाइन से ऊपर हो यहाँ पर दिख रही है आपको, शो कर रही हो जीरो लाइन ये रही। ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्रॉस कर देती है तब आपको देखना है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है,
जैसे ही ग्रीन कैंडल बन जाता है आपको इसके ऊपर बाय करना है। कितना बाय करना है? 1.5, 1.5 का टारगेट रहेगा। और जो स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, इसका जो प्रीवियस जो लो है वो रहेगा, प्रीवियस जो लो है ना, ठीक है, 1.5 का टारगेट रहेगा, 1.5 का। ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, वरना हमारा टारगेट तो पूरा हो गया है। एक सेकेंड, मैंने गलत लगा दिया, एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, ये देखो हमारा प्रीवियस, ये देख लीजिए, 1.5, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देख सकते हैं 1.5 रखना, और प्रीवियस जो लो है हमारा इसका रखना है हमें स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डाउन साइड आपको कैसे काम करना है। ये देखिए, जब हमारी ऊपर ये रेड हैकिनशी वाली कैंडल्स बन जाती है, और हमें देखना है कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है इस जीरो लाइन से नीचे आ चुकी है, तब हमें करना है बाय। तब कब करना है हमें बाय, ठीक है। देखते हैं कहां पर हुआ। यहां पर हमारी हैकिनशी वाली लाइन नीचे आई इसके, और इससे जीरो लाइन से नीचे हो गया, हमने यहां पर हमने बाय कर लिया, और प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस लगा लिया। प्रीवियस लो का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कुछ इतना, ठीक है, और 1.5 का रखना है हमें टारगेट, 1.5 का। ये हमारा 1.5 का टारगेट हो गया अचीव। आप देख सकते हैं बहुत इजी इंडिकेटर है, आप इसे स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप वीडियो को दोबारा देख लेना, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, समझ लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, जब ये रेड वाली लाइन ऊपर हैकिनशी वाली लाइन जो बनती है उसके नीचे हमें रेड कैंडल चाहिए, और ये जीरो लाइन के नीचे हमें ग्रीन लाइन चाहिए, तब हमें 1:5 का हमें टारगेट रखना है, और प्रीवियस जो लो रहेगा उसका रखना है स्टॉप लॉस, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है बाय साइड का, ठीक है। जब हमारी ये ग्रीन वाली जो लाइन लग रही है हैकिनशी वाली, ये नीचे हो और ऊपर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, और ये जीरो वाली लाइन से ये ग्रीन लाइन ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, टी एस आई वाली लाइन नीचे होने ऊपर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे, प्रीवियस लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:5 का हमारा टारगेट रहेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है, ये ऑल पे क्लिक करना है। जैसे बेल आइकन ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मेरी सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जल्दी जल्दी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, और जरूर चेकआउट करना वीडियो। मैं लंबी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको भी कुछ मेहनत करनी है, और तभी आपको पता लगेगा कि काम कैसे होता है। आपको इस इंडिकेटर के बारे में आपको पता लगेगा कि इंडिकेटर अच्छा है बुरा है, आपको तभी पहचानोगे, ठीक है। मैं वीडियो में आपको बता दूं ऐसे, ठीक है, टेस्टिंग कर करके देखो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, तो ऐसे मैं कितनी बड़ी वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे कितना कितना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना हमारा अचीव हो गया, 400-500 पॉइंट मिल गए, ठीक है। ऐसे मैं कितने आपको दिखाता रहूँगा, तो आप एक बार ज़रूर वीडियो को एक बार चेक करो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ नहीं आता मेरे को कमेंट कर दो, या डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी भी डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चार्ट भी प्रोवाइड करता रहूँ, बुक भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, और स्टॉक ऑप्शन और बैंक निफ्टी में फ्री में ट्रेड देता रहता हूँ, तो आपको जरूर आपको हेल्प मिलेगी, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।